क्या होता है? विशिष्टम वाहनम विवाह, वाहन करना। क्या क्या वाहन करना? पत्नी के साथ लेकर के सब काम करना, एक ये विवाह का। दूसरा अर्थ है समाज में हमारा क्या उपयोग है, क्या उत्तरदायित्व है, उसका वहन करना। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ विवाह में लक्ष्मी नारायण को मान करके कन्यादान किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम फलाने के लड़के को कन्यादान कर रहे हैं। अमुक बर अमुक विष्णु रूपणे, विष्णु रूपणे अमुक बराय लक्ष्मी रूपिणी कन्याम तुभ्यम अहम संप्रदाय। विष्णु स्वरूप वर को मैं लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का प्रदान। भगवान विष्णु के भी चार हाथ हैं और लक्ष्मी जी के भी चार हाथ हैं, तो पति पत्नी मिलकर कितने हाथ हो गए? चार हाथ हो गए। दो हाथ पत्नी के, दो हाथ पुरुष के, चार चतुर्भुज हो गए। इसलिए विष्णु भगवान क्या करते हैं? पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु भगवान पालन करते हैं। शंकर भगवान श्रृंगार करते हैं। तो पालन करने की जिम्मेदारी विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम में आती है। किसका पोषण करे? ब्रह्मचर्य आश्रम का भी पोषण कौन करे? ग्रस्त करे। सन्यासियों को भी रोटी कौन दे? ग्रस्त दे। और अपने को भी ग्रस्त व्यवस्था। सभी आश्रमों की जो पालन करे, सबका संरक्षण करे, उसका नाम ग्रस्त आश्रम होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम को भी गृहस्थी लोग रोटी देते हैं, सन्यासियों को भी गृहस्थी लोग रोटी देते हैं, और अपने परिवार के और समाज के काम को भी। इसलिए क्योंकि उस दिन वो विष्णु स्वरूप हो गया, वो लक्ष्मी स्वरूपणी हो गई और वर क्या हो गया? विष्णु स्वरूप हो गया। तो अपने को आत्मानम, अपने को पालक रूप में मान करके चलने से समाज में कभी भी विसंगति नहीं आती। और इसलिए यही पालन नहीं, विवाह में भंगी का भी हिस्सा होता है, कुमार का भी नेग होता है, नाई का भी नेग होता है, मतलब सभी जातियों का पालन पोषण की एक प्रक्रिया होती है। सबको दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया गया था कि हमारा सभी के प्रति प्रेम भाव और उत्तरदायित्व हमारा बना रहे। इस तरह से सभी जातियों का भी पोषण होता था, अपना भी पोषण होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम का भी पोषण होता था गृहस्थ आश्रम में, और संन्यास आश्रम का भी पोषण गृहस्थ आश्रम करता। एक तरह से बात ये हुई, गृहस्थ आश्रम का मतलब पालन करने वाला, जो सबका पालन करे उसी का नाम गृहस्थ आश्रम। और इसलिए जब तक वो कमाई नहीं करेगा तो पालन क्या करेगा? जब तक वो 5 रुपया कमाएगा नहीं तो फिर पालन का दायित्व कहाँ से निभाएगा? इसलिए हमारे यहाँ रघुवंश महाकाव्य में लिखा है, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने विशेष नाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी कहते हैं, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, शैशव अवस्था में खूब विद्या का अध्ययन करना चाहिए। कौन सी विद्या हो? विद्या अर्थ करी हो। उस विद्या का अध्ययन करके युवा अवस्था में सारे विषयों का संग्रह करें, खूब मेहनत करके पैसा कमाए,
और भगवान कमाने की मनाही नहीं है धर्मशास्त्र में। यवने विशेषिणा, सारे जितने संसार के विषय हैं सब को इकट्ठा करे, उनको संग्रह करे और खूब मेहनत करके कमाए, और कमाने के बाद फिर क्या करे, फिर वो तृतीय अवस्था में मुनि वृत्ति धारण करे। मुनि वृत्ति का मतलब अपने को संयमी जीवन बनाने का अभ्यास करे, है ना। फिर जो है ना तृतीय अवस्था संयम की अवस्था है, तीर्थाटन की अवस्था है। तब जब ऐसा तीन अवस्थाएं ऐसी निकल जाती हैं तो चतुर्थ अवस्था में चिंता करने की जरूरत नहीं। योगे नान्ते तनुत्तेजाम, तो चतुर्थ अवस्था उसकी मंगलमयी हो जाती है। पहले अवस्था में दुर्गुणों का पाला, दूसरी अवस्था में खूब अनर्थ कमाया, तृतीय अवस्था चतुर्थ अवस्था उसकी खराब होने वाली ही है। ये एक परंपरा रही है सनातन धर्म की कि विद्या अध्ययन, अर्थार्जन, फिर धर्मार्जन, तीन प्रकार का अर्जन है, विद्यार्जन, अर्थार्जन और फिर धर्मार्जन। धनात् धर्मः ततः सुखम सुखम, धन से धर्म भी कमाना चाहिए। केवल धर्म से सारा पैसा केवल गृहस्थी में नहीं, धर्म से धन से धर्म का भी अर्जन करना चाहिए। इसलिए अगर भगवान ने ऐसा व्यवस्था कर दिया तो फिर उसकी चतुर्थ अवस्था में उसको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से अपने को विष्णु स्वरूप माने और पत्नी अपने को लक्ष्मी स्वरूप माने। वैसे तो दुर्गा सप्तशती में साफ साफ लिखा है, स्त्रिया समस्ता तव देवि भेदा। हमारे यहाँ स्त्री का सम्मान की बहुत चर्चा है, बहुत सी चर्चा है स्त्री सम्मान की। स्त्री का सम्मान करोगे तो लक्ष्मी की कृपा रहेगी, और स्त्री का अपमान करोगे तो लक्ष्मी जी रूस जाएगी या फिर गलत रास्ते में चले जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी को देवी मान करके ही, सलाह मान करके, इसलिए सब सप्तशती में जब वहाँ फेरा होता है तो साफ साफ एक दूसरे की सलाह से हम सब काम करेंगे, साथ लेकर चलेंगे। मन का मानी, इसलिए मन का मानी कुछ नहीं होता। हम सब बंधु विवाह के इस दायित्व को, विवाह के इस महत्व को जब समझेंगे तो धन्यो गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम क्या होगा, धन्य हो जाएगा। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो वो गृहस्थाश्रम धन्यता के कहलाने के लायक नहीं होता। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, गृहस्थाश्रम को भी धन्यो गृहस्थाश्रम किसने, भर्तृहरि ने कहा है, धन्यो गृहस्थाश्रम, जहाँ पर ब्राह्मण के चरण पड़ते हो, संतों का आगमन होता हो, देव पूजन होता हो, दान होता हो, ऐसा अगर कोई गृहस्थाश्रम है तो वो धन्यो गृहस्थाश्रम। ऐसे गृहस्थाश्रम को भी धन्य कहा है। आप सब बंधु इन बातों को, दायित्व को समझना चाहिए कि अगर हमने केवल, आजकल तो समस्या क्या हो गई, विवाह एक संस्कार है। हमारे यहाँ तो जन्म के संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक की एक नई बड़ी प्रणाली है। अच्छा ये बताओ, कुत्ते का संस्कार होता है, जन्मोत्सव होता है कुत्ते का, विवाह उत्सव होता है, अंतिम संस्कार होता है, कुछ क्यों नहीं होता? इसलिए पशु पशु ही रहता है, पशु रूप में पैदा होता है और वो पशु ही आदमी का संस्कार होता है। मनुष्य का जन्म संस्कार होता है, कर्णवेद संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है और विवाह संस्कार होता है। तमाम संस्कार होते होते मनुष्य क्या बन जाता है, मनुष्य देवता बन जाता है। मन है तो वो मनुष्य, परंतु इतने उसने अपने जीवन में संस्कार अर्जित कर लिए कि लोग उसको कहने लगते, भाई आदमी को नहीं तो देवता है।
भाई इतने दिव्य गुण हैं, देवता मतलब दिव्य गुणों से युक्त का नाम देवता हो गया। तो दंता बोलने लग जाती है, अरे नहीं भाई साहब वो तो देवता है। औरत को भी बोलते हैं, अरे भाई वो तो देवी देवी ही है। तो अपने जीवन में दिव्य गुणों का अर्जन करना।